हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राइजिंग क्रिएटिविटी विद वर्षा। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मड मिरर आर्ट, जिसे हम लिपन आर्ट भी कहते हैं। इसके लिए मैंने होममेड लाइनर का यूज किया है, जिसकी मैंने रेसिपी आपके साथ शेयर की है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और हाँ, प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लाइनर बनाने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे पाउडर। आप कोई भी ब्रांड का पाउडर ले सकते हैं। आप जितना पाउडर लेंगे उतना ही आपको फेविकोल लेकर उसको मिक्स करना है। मिक्स आपको ऐसे करना है कि लम्स ना पड़े। मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून व्हाइट एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पर एक कोन बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने इस पेस्ट को फिल करेंगे। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा पेस्ट उतना थिक होना चाहिए जितना हमारा एक टूथपेस्ट थिक होता है। पेस्ट को अच्छे से फिल करने के बाद हम इसको ऊपर से सील कर देंगे। हमारा लाइनर रेडी है। यहाँ पर मैंने बाउल में जो भी मेरा पेस्ट बचा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी मिलाकर अपने सभी कार्डबोर्ड पर अच्छे से एक कोट लगाया है। सभी पर एक कोट लगाने के बाद हम इन्हें सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद अब हम इसमें वर्क स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पर फेविकोल के हेल्प से मिरर को पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी पैटर्न या कोई भी मिरर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लाइनर की हेल्प से सर्कल्स की आउटलाइन बना रही हूँ। यहाँ पर मैं मिरर्स के चारों तरफ भी आउटलाइन कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं दोनों मिरर्स के बीच में जो गैप है, वहाँ पर आउटलाइनर से डॉट्स बना रही हूँ, जिनके ऊपर मैं सिल्वर स्टोन पेस्ट करूँगी। यहाँ पर मैं दोनों मिरर्स के गैप में डायमंड शेप के मिरर्स का यूज कर रही हूँ। बाउंड्री पर भी मैं लाइनर की हेल्प से डॉट्स बना रही हूँ, एंड उनके ऊपर भी मैंने सिल्वर स्टोन्स का यूज किया है।
अब मैं यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर से कुछ डॉट्स बनाऊंगी, जिनसे मड मिरर आर्ट में एक बहुत ही अच्छा सा लुक आ जाता है। आप अपने अकॉर्डिंग भी कोई भी पैटर्न में डॉट्स बना सकते हैं। यहाँ पर मुझे कुछ ज्यादा गैप लग रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक फ्लावर टाइप पैटर्न बना दिया है। यहाँ पर अब मैं कार्डबोर्ड की बाउंड्री पर व्हाइट रोप को ग्लू गन की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। हमारा पहला मड मिरर आर्ट बनकर तैयार है। आपको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब यहाँ पर मैंने जो स्क्वायर शेप के छोटे छोटे कार्डबोर्ड लिए थे, उन पर ब्लू एक्रेलिक कलर से पेंट कर रही हूँ। यहाँ पर भी मैं मिरर्स को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ एंड आउटलाइनर से डॉट्स बनाकर उनके ऊपर भी सिल्वर स्टोन्स का यूज कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आउटलाइनर की हेल्प से कुछ इस टाइप का पैटर्न बनाऊंगी। अब यहाँ पर मुझे जो भी गैप दिख रहा है उसमें मैं सिल्वर स्टोन को फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ब्लू कलर की रोप का यूज कर रही हूँ, जिसको मैंने फेविकॉल की हेल्प से पेस्ट किया है। अब मैं यहाँ पर जो मैंने कॉर्नर्स पर मिरर्स लगाए हैं उन पर व्हाइट एक्रेलिक कलर से कुछ डॉट्स बनाकर पैटर्न बना रही हूँ, जिससे इसका लुक और भी अच्छा लगेगा। मैंने दोनों को सेम पैटर्न में डेकोरेट किया है। अब मैं इनके बैक साइड में एक कॉर्नर पर सिल्वर टेसल्स का यूज कर रही हूँ। देखिए हमारा मिरर आर्ट कितना सुंदर लग रहा है।
प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।